अक्सर आपने सेलिब्रिटीज को हमेशा मीडिया के साथ, पैपराजी के साथ, फैंस के साथ अच्छे से बिहेव करते देखा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मीडिया हो या फैंस हो या पैपराजी हो, वो अपनी हद से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, कई बार फीमेल एक्ट्रेसेस ने इस बारे में कंप्लेन की है कि भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कई फैंस और कई मीडिया कर्मी कई बार उन्हें गलत तरह से टच कर देते हैं, कई बार अनजाने में, और कई बार कुछ फैंस जानबूझकर ऐसा करते हैं। वेल, इसी रीजन से अब रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है। जी हाँ, ये वीडियो तब का है जिस वक्त ऋतिक रोशन कटरीना कैफ साथ में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की प्रमोशन कर रहे थे। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है ऋतिक रोशन पेपराजी पर न सिर्फ भड़कते नजर आ रहे हैं बल्कि पेपराजी को गाली देते भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कटरीना और ऋतिक दोनों ही बाइक पर होते हैं और दोनों ही अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे होते हैं और इसी दौरान उनकी बाइक के साथ साथ पेपराजी की बाइक भी चल रही होती है, जिस वजह से दोनों बाइक्स काफी ज्यादा करीब आ जाती हैं और उसी दौरान ऋतिक रोशन उस बाइक को हल्का सा दूर करते हुए कहते हैं, दूर रह डैश। तो कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन के मुंह से ये जो गाली निकली है उस वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऋतिक रोशन के इस वायरल वीडियो के बावजूद फैंस उन्हें ट्रोल नहीं कर रहे हैं। शायद फैंस थोड़े से एडजस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं कि जाहिर सी बात है कि एक्ट्रेस गाड़ी चला रही थी। जी हाँ, कटरीना बाइक राइड कर रही थी, ऋतिक पीछे बैठे थे और इस दौरान एक इम्पल्सिव रिएक्शन के तौर पर ऋतिक के मुंह से ये गाली निकल गई, जिसके बाद कई सारे फैंस ने ऋतिक को ना ही सिर्फ कूल बताया बल्कि ये भी कहा दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ कटरीना। वेल, डेफिनेटली फैंस को ऋतिक के इस अंदाज पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बात पर बताइएगा जरूर हमें। मैम इधर कौन सा फ्लैग लेकर